प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री गांधीनगर के अडालज अन्नपूर्णा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की औपचारिक शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना की औपचारिक शुरुआत अहमदाबाद में की जाएगी। अंतरिम बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी। 18 से 40 साल तक के कामगार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। योजना का फायदा ऐसे मजदूरों को मिलेगा जिनकी मासिक आमदनी 15000 रुपए से कम है। योजना का लाभ पाने के लिए हर महीने कुछ रुपए प्रीमियम के तौर पर जमा करना होगा। 15 फरवरी से स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब 10 करोड़ लोगों को मिलेगा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। रविवार को प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो की शुरुआत की। मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने इसमें सफर भी किया। पीएम ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे फेज का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे फेज का उद्घाटन करने भी वही आएंगे। और हमारा आप जानते हैं पुराना मंत्र, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आज जो मेट्रो का शिलान्यास किया है, 3-4-5 साल जब भी उसका काम पूरा होगा हम मौजूद होंगे। आज पीएम दोपहर 12 बजे अहमदाबाद में एक सभा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम एमपी के धार में आयुष्मान भारत योजना का लाभ पाने वालों से मुलाकात करेंगे। एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने वालों और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं पर पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकियों की लाशों का सबूत मांगने वालों पर मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। मोदी को गाली देने के लिए कोई कम जगह है क्या? पूरा मैदान खाली पड़ा है और मोदी को कोई इतराज नहीं है, सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो? पीएम ने कहा सत्ता की नहीं देश की चिंता है, इसलिए वो आतंकियों को घुस कर मारेंगे। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। पीएम ने कहा कि चुन चुन कर हिसाब लेना उनकी आदत है। देश की जन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकी कहीं भी छिपे हों उन्हें सजा जरूर मिलेगी। मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। बालाकोट में हवाई हमले को पीएम ने सिर्फ शुरुआत बताया, कहा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। एक हो जाए तो हम सोते नहीं हैं, दूसरे के लिए तैयारी करते हैं। आप क्या समझे मैं क्या कह रहा था? युद्धकाल में देश का मनोबल हाई होना चाहिए, लेकिन सबूत मांगने वाले राजनीति ने भारत का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने फिर सरकार से सबूत मांगे। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एयर स्ट्राइक को लेकर वायुसेना के दावे पर सवाल उठाए। सिद्धू ने ट्वीट किया, 300 आतंकी मारे गए हाँ या नहीं, इसका मकसद क्या था? आप आतंकियों को मारने गए थे या पेड़ों को गिराने? सरकार और वायुसेना से बालाकोट स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली विपक्षी पार्टियों में एनसीपी भी शामिल हो गई है। हम चाहते थे कि जब वाकई में हमने 350 लोगों को मारा है तो उसके कोई ना कोई तो शहादत होगी, तो इसका तो सबूत हमें पूरे दुनिया में देना चाहिए। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा चुकी है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए दावा किया कि आतंकवाद से लड़ना कांग्रेस के लिए नामुमकिन और केवल मोदी जी के लिए मुमकिन है। कांग्रेस के समय भी मुंबई पे आतंकी हमला हुआ था और उस समय वे बोलते थे, देखेंगे, देख रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाए। उनके लिए आतंकवाद से लड़ना नामुमकिन था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाया है क्योंकि मोदी हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने यह बयान दिया था कि बालाकोट के एयर स्ट्राइक में 250 से ज्यादा आतंकवादियों की मौत हुई है। अमित शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस समेत कई पार्टी के नेताओं ने मोदी सरकार से पूछना शुरू कर दिया कि वो बताए कि बालाकोट में क्या हुआ और कितने आतंकवादियों की मौत हुई है। कहते हैं बुराई कभी छिपाने से नहीं छिपती, लेकिन पाकिस्तान इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान अब पुलवामा हमले की साजिश के नापाक सबूतों को मिटाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान पुलवामा हमले में जैश ए मोहम्मद की भूमिका के सबूत मिटाने की कोशिशों में जुटा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इमरान सरकार पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच डिजिटल बातचीत और चैट हटाने के उपाय कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत पुलवामा हमले की साजिश के दौरान की है, जिसे भारत ने हमले के बाद पुख्ता सबूत के तौर पर जुटाए हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद ने अपना खुद का मोबाइल चैट एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसमें लोकल सर्वर के जरिए आतंकी एक दूसरे से संपर्क करते हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि डिजिटल सबूतों को हटाने के बाद पाकिस्तान ये दावा करेगा कि भारत के पास मसूद अजहर को आतंकी साबित करने का कोई सबूत नहीं है। इस बीच पाकिस्तान ने पुलवामा हमले को लेकर भारत की ओर से दिए गए सबूतों को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों के मुताबिक हमले में जैश ए मोहम्मद की भूमिका को लेकर कार्रवाई करने लायक सबूत नहीं है। पाकिस्तान ने पहले कहा था कि भारत जैश के खिलाफ सबूत दे तो वो कार्रवाई करेगा। राजस्थान बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया। एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने फिर से भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया। हालांकि Sukhoi-30 ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। भारत ने अपनी वायु सीमा में घुसपैठ की पाकिस्तान की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार सुबह 11:30 बजे पाकिस्तानी सेना का एक UAV यानी मानव रहित विमान राजस्थान के बीकानेर में भारतीय वायु सीमा में घुस आया था। अनूपगढ़ सेक्टर में एयर डिफेंस रडार पर इस संदिग्ध UAV की जानकारी मिली, जिसके बाद वायुसेना के Sukhoi-30 MKI विमान ने उसे मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी UAV का मलबा पाकिस्तान में बहावलपुर के पास फोर्ट अब्बास में गिरा। हमारे देश की सेना हमेशा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। जो भी चुनौती आएगी उसका बखूबी सामना होगा, उसके लिए वो तैयार रहते हैं। इससे पहले बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमानों ने कश्मीर के पुंछ और राजौरी में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनमें एक को MiG-21 ने मार गिराया था। देश के लिए जान कुर्बान कर देने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और शहीद के परिवार के सम्मान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। शहीदों के परिवार के लिए सम्मान कैसा होना चाहिए, देश के नेताओं को ये रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से सीखना चाहिए। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को देहरादून में शहीदों के शौर्य सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में गई थी, जहां उन्होंने शहीदों की माताओं और वीर वधुओं का सम्मान पैर छू कर किया। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि फौजियों के लिए उनके दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो किसी भी मुद्दे पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने रिटायर्ड फौजियों से अपील की कि वो वन रैंक वन पेंशन को लेकर किसी के बहकावे में न आए, सीधे व्हाट्सएप या चिट्ठी के जरिए मुझसे संपर्क करें। मैं आपसे विनती करूं, गलतफहमियों के आड़ में आकर आप कुछ मन मन में संकोच हो, प्रश्न हो, नहीं रखना चाहिए। क्या आप सीधा मुझसे ईमेल लिखिए, चिट्ठी लिखिए और फोन में बात करिए, मैं जरूर फोन में ही आपको जवाब दूंगी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिक लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहे हैं और नियंत्रण रेखा के पास मौजूद गांवों को, सेना के अग्रिम चौकियों को भी निशाना बना रहे हैं। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने LOC के पास 2 जगहों पर सीजफायर का उल्लंघन किया। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की गई। पुंछ के शाहपुर किरणी में भारतीय चौकी और रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। इससे पहले पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भी गोलीबारी की थी। अखनूर में सोमवार तड़के 3 बजे से सुबह 6:30 बजे तक पाकिस्तान ने गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलाबारी का करारा जवाब दिया।
पाकिस्तान ने हफ्ते भर के अंदर 50 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा है। नागपुर को 1971 से एक और अभिनंदन का इंतजार है। पाकिस्तान की जेल में बंद है फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय तांबे। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन तो पाकिस्तान के चंगुल से भारत लौट आए हैं, लेकिन नागपुर में एक परिवार ऐसा भी है जो अपने अभिनंदन विजय तांबे का इंतजार पिछले 48 साल से कर रहा है। नागपुर के विजय तांबे की कहानी भी ऐसी ही है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान विजय तांबे का विमान पाकिस्तान में गिर गया था, तभी से वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। 1971 से ही विजय तांबे का परिवार उन्हें भारत लाने में जुटा हुआ है। विजय तांबे के 92 साल के चाचा के जीने का मकसद ही विजय तांबे को भारत लाना है। और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। आदिवासी संगठन 13 फरवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदिवासियों और वनवासियों को उनके आवास से बेदखल करने के फैसले पर राहत देने के बावजूद भी भारत बंद का ऐलान किया गया है। आदिवासियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल फौरी राहत है और वन अधिकार अधिनियम के तहत इसे कभी भी पलटा जा सकता है। आदिवासी समूहों की मांग है कि केंद्र उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अध्यादेश लाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल करने के लिए 13 फरवरी को आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में इस आदेश पर रोक लगा दी गई थी। मुंबई में अस्पतालों के बाहर बड़ा पाव और पकौड़े के स्टॉल लगाने पर अब बैन लगा दिया गया है और बीएमसी ने यह फैसला लिया है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों की सेहत को ध्यान में रखकर मुंबई में बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। अब अस्पताल के बाहर लगे वड़ा पाव और दूसरी खाने पीने की चीजों के स्टॉल्स पर पाबंदी लगाई जाएगी। बीएमसी की जारी नोटिस के मुताबिक सरकारी अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी खाद्य पदार्थों के स्टॉल्स नहीं लगाए जा सकेंगे। इस तरह का खाना खाकर अस्पताल में भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों की सेहत बिगड़ जाया करती है। बीजेपी ने बीएमसी के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन अस्पताल की कैंटीन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी खराब होने का आरोप लगाया है। जहाँ तक सवाल जंक फूड का है तो बिल्कुल इसको हटाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ महानगर पालिका ने अपने कैंटीन का भी सुधार करना चाहिए। अपने कैंटीन में भी अच्छा खाना पेशेंट के रिलेटिव के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। अगर आप बाहर का स्टॉल बंद कर रहे हैं तो जरूर आपको अंदर का आपका कैंटीन उसकी सुविधा अच्छा देना चाहिए। वहाँ पे जो मरीज के रिलेटिव आते हैं उनको जो जरूरत है उसकी सुविधा उधर देना पड़ेगा। बीएमसी सभी सरकारी स्कूलों को भी ये नोटिस भेज सकती है। स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले सारे खाने पीने के स्टॉल्स को हटाया जाएगा ताकि बच्चे किसी भी तरह की बीमारी का शिकार न बन पाए। कोयम्बटूर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईशा योग फाउंडेशन के भव्य महाशिवरात्रि महोत्सव में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाशिवरात्रि के मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि मनाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ईशा योग फाउंडेशन के 25वें महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। योग केंद्र ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव महाराज के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र में पौधे लगाकर पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति कोविंद आदि योगी की विशाल प्रतिमा के पास भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। कई जाने माने देशी विदेशी कलाकारों ने कार्यक्रम पेश किए।